ये कहानी है दो दोस्तों की, हार्डी और स्मार्टी। दोनों सेम ही कक्षा में पढ़ते थे और सेम ही स्कूल जाते थे। स्कूल में दोनों को सेम ही टीचर पढ़ाते थे और दोनों ही स्कूल में काफ़ी मन लगाकर पढ़ते थे। स्कूल से वापस आने के बाद हार्डी हर दिन 5 घंटे पढ़ाई करता था। दूसरी तरफ स्मार्टी हर दिन 3 घंटे पढ़ाई करता था और बाकी के 2 घंटे खेल कूद में लगाता था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे एग्जाम्स पास आते गए। एग्जाम के ठीक एक दिन पहले हार्डी काफ़ी टेंस्ड और घबराया हुआ था और दूसरी तरफ स्मार्टी काफ़ी कूल और रिलैक्स्ड था। आखिर वो दिन आ ही गया जब हार्डी और स्मार्टी एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर एग्जाम्स लिख रहे थे। बेचारा हार्डी अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो उसने बहुत पहले पढ़ी थी वो भूल चुका था, लेकिन स्मार्टी को सब कुछ याद था। नतीजा ये हुआ कि स्मार्टी ने तो एग्जाम में बहुत अच्छा किया, बल्कि उसने तो अपने पूरे क्लास में टॉप किया। पर बेचारा हार्डी बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान था क्योंकि उसने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। सबको बड़ी हैरानी हो रही थी कि स्मार्टी, जो हार्डी से कम पढ़ता था, उसने एग्जाम में इतना अच्छा कैसे किया। आखिर स्मार्टी की इस सक्सेस का सीक्रेट क्या है? स्मार्टी के सीक्रेट का एक अहम कॉम्पोनेंट था गुड स्टडी नोट्स, जो उसने पूरे साल पढ़ते दौरान बनाए थे। हार्डी और स्मार्टी की इस स्टोरी के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी स्मार्टी के जैसा बनना चाहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की, जो आपको बहुत अच्छे नोट्स बनाने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि हम नोट्स बनाएं कहाँ से। तो इसके लिए हम 3 रिसोर्सेज का यूज़ लेंगे। पहला, क्लासरूम नोट्स। दूसरा, हमारा मेन बुक या बेस बुक या फिर एनसीईआरटी बुक या फिर एग्जाम फेयर वीडियोस। और तीसरा, रेफरेंस बुक। तो हमारा एम ये है कि ये 3 रिसोर्सेज से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इकट्ठे करके हम अपने नोट्स में डाल देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने स्ट्रैटेजी की तरफ। तो हमने अपने इस स्ट्रैटेजी का नाम रखा है माई नोट्स। यहाँ पे हर एक लेटर का एक सिग्निफिकेंस है जो कि हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप है एम, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि नोट्स जब भी बनाना हो उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा डिटेल लिख दिया, फिर तो नोट्स में और टेक्स्ट बुक में कोई फ़र्क ही नहीं है। तो इसीलिए ध्यान देना है कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम सिर्फ उन्हीं को नोट करें, जितने फिलर्स हैं उनको हटा दें, जितनी डिटेल एक्सप्लेनेशन है उनको भी हटा दें। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि पैराग्राफ्स में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ पॉइंट्स में लिखिए, ठीक है। तो अगले पॉइंट पे जाते हैं जो कि है वाई, यानी कि योरसेल्फ। अब ये नोट्स आपका है तो बनाना भी आप ही को है, तो इस नोट्स को आपको खुद से बनाना है अपनी हैंडराइटिंग में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप खुद से बनाएंगे तो आपको वो कॉन्टेक्स्ट पता होगा, क्योंकि नोट्स हम जनरली शॉर्ट में बनाते हैं, लेकिन जब हम खुद से बनाते हैं तो हमें पता होता है कि क्या कॉन्टेक्स्ट में हमने ये लिखा है, तो इंटरप्रेट करना इजी होता है। दूसरी बात है, जब हम अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाते हैं तो उसे पढ़ने में थोड़ी आसानी होती है क्योंकि अपनी हैंडराइटिंग हमें फेमिलियर होती है, तो वो भी थोड़ा ईजी हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे जो कि है एन, यानी कि नाइस हैंडराइटिंग। अब अपनी हैंडराइटिंग है इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल गोच दे हम, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम से पहले जब हम नोट से रिवाइज करना चाहें हमें अपनी खुद की हैंडराइटिंग समझ ही ना आए। तो इसीलिए ये भी ज़रूरी है कि हम साफ़ सुथरे नीट हैंडराइटिंग से लिखें। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्थ पॉइंट पे जो कि है ओ, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमने तरीके से हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सबको इकट्ठे लिख रखा हो। इनफैक्ट एक चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स एक ही जगह पर लिखिए, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो ऐसा होगा कि भाई एक चैप्टर का एक टॉपिक यहाँ है, दूसरा टॉपिक कहीं और है, तो पता चला दूसरा टॉपिक हम पढ़ना ही भूल गए। तो इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आगे है टी, यानी कि ट्रिकी पॉइंट्स।
कई बार क्या होता है जब हम नोट्स बनाते हैं हमें कई बार बड़े डिफिकल्ट फॉर्मूले मिलते हैं, डिफिकल्ट नाम होते हैं जो याद नहीं रहते हैं। तो जब भी कुछ भी ऐसा ट्रिकी या डिफिकल्ट मिले उसे अंडरलाइन ज़रूर करें या फिर उसे हाईलाइटर से हाईलाइट कर दें ताकि वो ज़्यादा दिखता रहे हमें और हम उसे थोड़ा ध्यान से रिवाइज करें। और आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा है ई, यानी कि एरर फ्री। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नोट्स को जो है हम एग्ज़ाम से पहले यूज़ करने वाले हैं, तो आप खुद ही सोचिए अगर नोट्स में गलतियाँ हो तो क्या होगा, फिर हम गलत चीज़ें पढ़ के जाएंगे और गलत चीज़ें लिख के आएंगे जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो इसीलिए जब आप नोट्स बना रहे हैं अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ बनाइए, ज़रूरत हो तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि नोट्स में कहीं गलती से कुछ गलत तो नहीं लिखा गया है। तो नोट्स में एरर्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो अब आ गए हम अपने आखिरी स्टेप पे, यानी कि एस, जो कहता है शॉर्टकट्स। आपको अपने खुद के शॉर्टकट्स बनाने हैं। अब हमेशा हम कहते हैं कि भाई नोट्स जो है टू द पॉइंट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, बट ये सब कुछ होने के लिए हमें नोट्स में कई बार शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि बार बार एंड ए एन डी लिखने की जगह हम एम्परसेंट सिंबल यूज़ कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए आप केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस चैप्टर का नोट्स बना रहे हैं, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रिएक्शन वर्ड तो बार बार आएगा, तो बार बार पूरा रिएक्शन लिखने से अच्छा है उसका एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं नॉर्मली ऐसे लिखती हूँ RKN, वो मेरा शॉर्ट फॉर्म है। तो इस तरह से आप बहुत सारे अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हैं और नोट्स में उनको डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये माई नोट स्ट्रैटेजी का यूज करना है और बहुत ही मस्त वाले नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये नोट्स जो है एग्जाम से पहले आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो फिर वेट किस बात की है, जल्दी से पढ़ने में लगिए और साथ ही साथ नोट्स बनाइए। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।